नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन में। रुख करते हैं पहली खबर की ओर, जहां हरियाणा प्रदेश में 976 खेल नर्सरियों को मुख्यमंत्री की मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा में 976 खेल नर्सरियों को मंजूरी प्रदान की है। उप नर्सरियों में से 196 खेल नर्सरियां सरकारी स्कूलों को दी गई हैं, 115 खेल नर्सरियां ग्राम पंचायतों को, 278 खेल नर्सरियां निजी संस्थानों और 387 खेल नर्सरियां निजी स्कूलों को आवंटित की गई हैं। ये नर्सरियां प्रदेश के सभी जिलों में आवंटित की गई हैं, जिनमें 28 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। खेल मंत्री संजय सिंह ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। नई खेल नर्सरियां खुलने से खिलाड़ियों को खेलों में और बेहतर मौका मिल सकेगा। दूसरी खेल की खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें, टीम इंडिया के सिर पर ताज बरकरार, पाकिस्तान को लगातार हारने का भुगतना पड़ा खामियाजा। आईसीसी की बुधवार को जारी ताज़ा T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। पाकिस्तान को अमेरिका और भारतीय टीम से मैच गंवाने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम का शीर्ष स्थान पर दबदबा बरकरार है। अमेरिकी टीम ने पाकिस्तान और कनाडा को मात देकर टीम रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। अगली खबर है कुरुक्षेत्र से। जी हाँ, खेल महाकुंभ के ट्रायल में शूटिंग व क्रिकेट में 72 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। राज्य स्तर खेल महाकुंभ के लिए अंतिम चरण में क्रिकेट और शूटिंग के लिए ट्रायल हुए। इससे पहले दो चरण में हुए ट्रायल में 900 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दिए थे, जिसमें 365 से अधिक खिलाड़ियों का चयन किया गया। हालांकि अभी भी क्रिकेट में लड़कियों का ट्रायल नहीं हुआ है, इसके लिए जिला खेल विभाग खेल महाकुंभ से पहले ट्रायल लेगा। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर, जहां पेनल्टी रन वाले विवाद पर आया अमेरिका के कोच स्टुअर्ट लॉ का बयान। बोले, हमें सतर्क रहना चाहिए था। अमेरिका के मुख्य कोच और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टुअर्ट लॉ ने यहाँ T20 विश्व कप मैच में भारत के हाथों अपनी टीम की करीबी हार के लिए ओवर तेजी से पूरा नहीं कर पाने के कारण 5 रन के पेनल्टी को जिम्मेदार ठहराने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाड़ियों को मैदानी अंपायरों की चेतावनी के बाद सतर्क हो जाना चाहिए था। अमेरिका को तीसरी बार ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से अधिक की देरी करने पर अंपायर ने उनके खिलाफ 5 पेनल्टी रन दे दिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, उसे टेस्ट में भी मौका दो। इस भारतीय गेंदबाज के फैन हुए सुनील गावस्कर, बीसीसीआई से उन्होंने की है खास मांग। जी हां, अमेरिका के खिलाफ भारत की जीत के हीरो रहे अर्शदीप सिंह को लेकर सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई से खास मांग की है। उन्होंने तेज गेंदबाज को रेड बॉल क्रिकेट में मौका देने की बात कही है। बुधवार को खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने अमेरिका के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। भारत ने इस जीत के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब टीम इंडिया की नज़र कनाडा के खिलाफ मैच पर होगी। पब्लिक एशिया के स्पोर्ट्स बुलेटिन को देखने के लिए और लगातार देश विदेश के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें।